हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं मॉल। हम देखने जा रहे हैं, एंड ऑफ सीजन चल रहा है तो क्या क्या सेल लगी है, किस किस ब्रांड पे क्या ऑफर और क्या क्या डिस्काउंट लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस एक मजेदार चीज दिखाती हूँ आपको, यानी वाटर पार्क बना रखा है लोगों ने। तो गाइस पुच्चू और बुल्लू देखो क्या मजे कर रहे हैं। गाइस मैं खड़ी हूँ H&M के बाहर। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं। और यहाँ पे देखो अप टू 50% ऑफ है। आओ गाइस लूटो, मजे ले लो सोम बाजार में। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ H&M में बुल्लू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं। लड़के ने गली शॉपिंग लेके आ रहा है, वो खुद अपना बैग। तो ये सब मेन्यू है, हमारी समझ से बाहर है क्या क्या है इसमें क्या क्या नहीं है। ये सब कुछ दिखा रही है, देखना जो आपके खाने की चीजें हैं सारी। बिग माउथ क्रिस्पी बर्गर हमने मंगाया है, तो उसका कुछ रेट ये होने वाला है। विद अच्छा तो पूछो, हम लोग बर्गर किंग का बर्गर लेते तो कितने का आ जाता आराम से? 200-250 रुपए। प्यार पे बात करते हैं हमको कोई नहीं, कभी कभी पैसे भी बर्बाद करना चाहिए। बर्बाद क्या, हमें पता नहीं था कितना महंगा होगा। और अब हमें जाने में पुच्चू बर्गर वैसे ही आ गया, तो इतना सा बर्गर आया उसमें, ना पुच्चू का भला ना मेरा भला। कम से कम बर्गर तो इतना कि हम लोग हाफ करके दोनों खा ले तो हमें लगे हाँ थोड़ा सा वो। आपने घर पे आके फंस गए हैं, सिर्फ उनके ना जाया भी नहीं जा रहा है, शर्म आ रही है, तो हमने मंगा ही लिया, शर्म आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई के पास पता है कि आज की डेट में आईफोन है जो किसी के पास नहीं होता है। तो गाइज जो हमने अपना ऑर्डर करा था वो आ गया है। इसके साथ चक्कू पता नहीं हमें फ्री में मिला या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और उसके साथ आई है फ्रेंच फ्राइज, जो मेरे मुंह में पानी आ गया बहुत ज़्यादा, मेरा मन भी कर रहा था ये खाने का और ये खाता नहीं है। मैं इसके लिए अभी बोल ही रही थी, मैं बोल रही थी अगर काश ये खाता होता ना तो इसके लिए मैं ये मंगवा देती, पर ये खाता नहीं है और ये मेरे को ही खानी पड़ेगी क्योंकि पुच्चू भी डाइटिंग पे। पुच्चू कट करो, केक काटो, चलो चक्कू भी दिया पुच्चू केक काटने के लिए। फूंक मार दो, फूंक मारो। कुछ बराबर काटना, पहले ही बोल रही हूँ। पुच्चू ने बना दिया इसको क्या कचुम्बर पूरा। तो पुच्चू ने एकदम ईमानदारी से बराबर काटा है, बहुत ईमानदार है ये इंसान बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा भी पुच्चू करते ना तो पुच्चू आप जो है टेस्ट करने वाली है, देखते हैं ये महंगे वाला बर्गर कैसा टेस्ट करता है। खा ले आराम से, बता दियो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा है या ज्यादा पैसे खर्च हुए इसलिए बोल रही है? नहीं, 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 बहुत डिफरेंट टेस्ट है, उससे बहुत डिफरेंट। इट्स डिफरेंट। इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आलू डाल दिए। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, मैं तो आदत है ना आलू टिक्की खाने की। कुछ नहीं, ये अपने डिश अपने आप बना दी है, फ्रेंच फ्राई डाल दिए अपने बर्गर में और अब खा रहे हैं। कुछ अब आप टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है वो डाल के। कुकु आप क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे? इधर 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 इधर, अच्छी लग रही है ना। तो गाइस इसका रेट देख लेते हैं। जो हमें पसंद आई है ये है 800 रुपए की टी शर्ट है। तो हमें जो पसंद आई है बुल्लू के लिए फाइनली ये टी शर्ट पसंद आई है, तो इसका है ये 1500 रुपए रेट है और इस टी शर्ट का 800 रुपए है और इस टी शर्ट का 1300 रुपए है। तो ये जो तीन टी शर्ट हम लोग अगर लेते हैं ना 40% डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हम तीन लेते हैं, एक लेते हैं तो ये तीन लेने पर मिल रहा है 40% डिस्काउंट। अच्छा आप एक बार मैं आपको भीड़ दिखा देती हूँ, भीड़ देखो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। भीड़ देख लो भाई, पे चेंजिंग के लिए वहाँ पे लाइन लगी हुई है, बिलिंग के लिए वहाँ पे लाइन लगी है,
मतलब हो ऐसा रहे जैसे कि ना कुछ फ्री में बट रहा है क्या भाई यहाँ पे, जो इतनी भीड़ हो रखी है, हद भीड़। हम लोग ने आज ना जो पार्किंग करी है ना सबसे नीचे, मतलब इतने नीचे गए ऐसा लगता सांस नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं पार्किंग में, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज मैं आपको बाहर भी दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बिल्कुल मेला लगा हुआ है, और बच्चों ने वहाँ पे जो ऐसे आतंक मचा रखा है ना वो भीग भीग के भाई, होली में नहीं करते एक एक को खींच खींच के लाते हैं, ये हो रही है भाई। अब किसी का मुंह भी टूट सकता है फिसल के, पता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो नहीं ये मान नहीं रहा है, इसको अभी झुलाया था, अब फिर लड़का ना इसको देख के बिदक रहा है कि मेरे को ना झुलाओ इस पे। जो बोल रहे हैं कि ना मैं चलाऊंगी बुल्लू को आगे बैठा के, मैंने बोला नहीं मैं हैवी ड्राइवर हूँ, मैं ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं चलाती हूँ। यार कहाँ का यार, यहाँ पे कहीं ठुकों में जाएगी मेरे से, हैवी ड्राइवर हूँ मैं, हैवी ड्राइवर। हमने तो बहुत कुछ खा लिया, मेरे बच्चा बेचारा कुछ खाता नहीं है, तो उसको हमने जैसे हम लोग मॉल से बाहर निकलेंगे, देखो अभी मॉल ही है, तो हमने सबसे पहले इसको ना यहाँ पे आइसक्रीम दिलाई। टाइम हो रहा है 11:05 और हमें हो रही है नाइट क्रेविंग बहुत तगड़ी वाली, तो हमने मंगाया ये गोलगप्पे। तो यहाँ पे गोलगप्पों का सेटअप लग चुका है, और अब ये जाएंगे सीधा मेरे मुंह में, और मुंह में कैसे जाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लीज कोई भी अपने मुंह में पानी मत लाना बिल्कुल भी मेरे को देख के, कुछ ये वाला पानी ऐसे ही लग रहा है जैसे वो काई वाला जमा वाला पानी नहीं होता तालाबों में। हाँ, और इसकी खुशबू भी ऐसी आती है नाले के पास से जाओ तो। तो ये मेरा गोलगप्पा रेडी हो गया, माय गॉड अच्छा है। तो चलो टूट पड़ते हैं। तो गाइस हम लोग आज दिन भर मॉल में इतना मतलब हमने एंजॉय करा है, और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो घर आए हमने सोचा हम लोग अब रेस्ट करेंगे फाइनली, दिन भर पूरी भाग दौड़ ये वो, और घर में मतलब रात को इंसान अपने रेस्ट करता है। तो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी चली गई है लाइट, ये जो लाइट जल रही है ना ये इन्वर्टर वाले बल्ब है जो हमने अपने दोनों रूम में लगा रखे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने लगाए थे कि लाइट चली जाए तो कम से कम उजाला तो रहना चाहिए। और टाइम टाइम 1 बजने वाला है, ये देखो ये पूरा अंधेरा है, कोई पंखे एसी कुछ नहीं चल, देखो क्या हालत हो रही है बुल्लू का, ये देखो पजामा इन्होंने अभी भी निकाला है, और ये पुच्चू कर रहे हैं हवा, पंखा बंद है, इधर एसी बंद है, और सब पूरी बिल्डिंग में सबकी लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे फ्लोर की लाइट नहीं आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, फोन तो करा है पुच्चू ने, पुच्चू क्या बोला उन्होंने? आई एम सॉरी बाबू, उन्होंने बोला कि 90 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट 90 मिनट्स में मुझे लगता है कि हम पिघल जाएंगे। सही बात है, ऐसा लोग ना बाहर बैठे हुए हैं, और BSES में फोन किया था तो भैया का भी फोन आया है, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया टाइम पे, और उन्होंने कहा है कि बस वो आ रहे हैं, तो हम बाहर की तरफ खड़े हैं ताकि उनको एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, तो बाहर की तरफ खड़े हैं, जैसे वो आएंगे हम उनको अपने घर पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है बिजली में। तो भैया लोग सामने आ गए, जो सामने जा रहे हैं ना बाइक पे वही लोग हैं। तो हमारी लाइट आ गई है, हमारी जो लाइट आई है ना वो करेक्ट 2 बजे आ गई है, बिल्कुल हमने चिल्ड करा हुआ है, वो चल रहा है एसी, इधर चल रहा है पंखा, और इधर बुल्लू भी जगा हुआ है। गाइस अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।